और ब्लू कलर शायद कर जो ऑर्डर लग लीजिएगा। गया यहाँ फिर गैस यहाँ पे पापा जी आग सेक रहे। पापा जी के लिए चाय, ज्यादा मोटी इसलिए आलू। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं अपनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ करीबन 2:30 बजे से, और आज मैं अपनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव कस्तल गांव से। तो आजकल मैं अपने मायके आ रखी हूँ। मौसम की बात करें तो आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना है, कड़ी धूप लगी हुई है और ऊपर ना काफ़ी ऊपर बादल भी लगे हुए हैं। तो मम्मी तो घर में है नहीं, मम्मी कहीं जा रखी है अपने काम से, और पापा जी भी जा रखे हैं काम पे, और तो घर में मैं अकेली हूँ। और अभी 3:02 बजे हो चुका है, तो मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ क्योंकि पापा जी ने तो खाना खा लिया है, और पापा जी खाना खा के चल गए हैं अपने काम पे। और जो सामने दिख रही है ना, वो मेरी शादी की फोटो है, और उसी के सामने जो दिख रही है वो हमारी टीवी है वहाँ पे। और यहाँ पे देखो कपड़े कैसे फैला के रखे हुए हैं। तो और यहाँ पे ना गाइस गांव में ना बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो मैंने ये कटोरा ले लिया, तो मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ। और आज हमने खाने में क्या बनाया है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आज हमने खाने में क्या बनाया है। तो गाइस मैंने खाना ले लिया, और अंदर ना यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए बाहर धूप में, क्योंकि और अभी ना यहाँ पे ना धूप जल्दी निकल जाती है हमारे गाँव से। तो ये देखो धूप भी निकलने लगी है, तो मैंने ये खाना ले लिया है, 2 मिर्च, और आज बना रखी हमने आलू की। भैया तो जॉब पे है, तो भैया अपने ड्यूटी पे है, तो भैया की बाइक ना यहाँ पे खड़ी कर रखी है भैया जी ने। तो जब गाइस आप सबके लिए खाना मैंने कटोरे में ही लिया है आज खाना, तो आप सबके लिए खाना तो मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, और मुझे सुबह से भूख भी नहीं लग रही थी इसलिए। और यहाँ से ना धूप भी निकलने लगी है, यहाँ देखो सनसेट होने लग गया है। अभी खा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। फाइनली गाइस मैंने खाना वगैरह खा लिया है, और मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं। कुछ ज़्यादा ही हो रही है क्योंकि नीचे गधेरा है, और यहाँ पे जस्ट ये चीड़ का पेड़ भी है, और इसके चक्कर से ना हमारे घर में ना ज़्यादा ही ठंड हो रही है। गाँव में तो मतलब सामने हमारा गाँव है, हमारे गाँव का नाम कस्तल है, तो गाँव में तो उतनी ठंड नहीं हो रही है जितने हमारे इधर यहाँ पर हो रही है। क्या बोलते हैं, ड्रामे ही बोलते हैं शायद। तो इन ड्रामे में ना पानी भर रखा है, ये पानी क्यों भर रखा है तो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो ये पानी लोग ना मुझे देख रहे हैं सामने से कि आकर डी फोन पकड़ गया। तो ये पानी ना हमने इसलिए भर रखा क्योंकि हमारा यहाँ पे काम चालू है, काम चल रहा है। आज तो काम बंद था क्योंकि पापा जी किसी मतलब पापा जी लोगों के साथ जा रखे हैं आज काम पे इसलिए। और पहले आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं काफ़ी दूर से पानी लेके आ रही थी, जिन लोगों हमें बता देती हूँ कि पहले हम काफ़ी ऊपर से पानी लेके आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमने अपने घर में ये हमने अभी न्यू बनाया है पापा जी और उन्होंने, तो अब हमारा पानी हमारे घर में ही आ गया है यहाँ पर। और यहाँ पे अभी हमारा काम चालू है, तो यहाँ पे हम मतलब फर्स्ट टाइप का बनाएंगे, तो अभी यहाँ पे चुड़ाई चालू है, लेटर वगैरह पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लान हो जाएगा फर्श की तरह, तो चौक बन जाएगा पूरा ये यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये पत्थर है, पापा बता रहे थे कि यहाँ पे हम रूम निकालेंगे करके, तो रूम निकालने के लिए पत्थर यहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं अभी पापा और उन्होंने। तो पापा तो आज काम पे जा रखे हैं लोगों के साथ, और मम्मी जी है नहीं घर में, मम्मी जी भी जा रखी है देहरादून क्योंकि मम्मी का वहाँ देहरादून में काम था। तो मम्मी जी देहरादून जा रखी है आज घर में, मैं मम्मी का नाम ना बार बार मेरे मुँह में ही आ रहा, आज घर में पापा जी और मैं और डुग्गू है। डुग्गू तो स्कूल जा रहा था, बट डुग्गू की छुट्टी हो चुकी है, तो डुग्गू भी आ गया है घर। और अब मैं आपको बता दी डुग्गू क्या कर रहा। तो ये देखो गाइस, हाय कर, हेलो कर, ये देखो गाइस यहाँ ये डुग्गू ना सो रखा है आराम से बिस्तर में, और यहाँ ना फोन चला रहा है, और सामने ना उसकी टीवी चल रही है। यहाँ यहाँ देखो टीवी भी ऑन कर रखी है और फोन भी यूज कर रहा है, दोनों के साथ बिजी चल रहा है। और यहाँ देखो मम्मी वालों ने थैले ही थैले भर रखे सारे रूम में, गाँव में ऐसे चलता है। और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड है, और डुग्गू को देखो यहाँ जैकेट अपने बगल में रखी हुई, पहनी थोड़ी नहीं उसने, ऐसे रख दी। तो गाइस मुझे ऐसे रख दी, तो गाइस मुझे मैं जाती हूँ थोड़ा सा आगे घूमने के लिए, क्योंकि घर में क्या करना है, मैं बोर हो रही हूँ, तो थोड़ा सा घूम के आती हूँ, खुरदार तक जाऊंगी, फिर खुरदार से वापस आ जाऊंगी घूम के। आडो को घूमना है, आडो को और घूमना है। देखो गाइस सब मना कर रहा है, मैं नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ फोन और टीवी मिल रखी ना इसलिए। तो कोई नहीं, डुगू तो इधर ही है, मैं चल जाती हूँ घूम के आ जाती हूँ मैं।
घर में भी क्या करना, बोर हो रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ पे ना नेट भी नहीं चलता बिल्कुल भी। कल मैंने वीडियो ना अपलोडिंग में कल लगा ली थी, कल रात को, और अभी ना 1:30 बजे अपलोड हुई वो। तो मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे है मम्मी जी की स्वेटर, ये देखो। तो मम्मी जी की स्वेटर पहन लेती हूँ मैं, मैंने स्वेटर भी पहन ली है और मैंने डुगू से टोपी भी ले ली है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मैं सोचा क्यों ना अपना टोपर टूपर लेके ही जाऊँ। ठंडे पानी से तो बर्तन ना बिल्कुल नहीं धुल सकते, गर्म पानी चाहिए एनी टाइम जब भी हमें। ये पहले ना हमारा नल यहाँ पे था, ये देखो नीचे पानी पानी हो रहा है। पहले तो हम ऊपर सड़क से पानी लेके आते थे, फिर वहाँ से पानी हमारे घर में आ गया था, फिर हम अपने घर से लेके आ रहे थे यहाँ से पानी, फिर अब ये वाला पानी हमने वहाँ पे वो वॉशरूम वगैरह बना लिया तब हमारा पानी घर में ही चल गया। और ये यहाँ पे हमारा बारहमास छिमी का पेड़ है और कंकोड़े भी लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे, ये देखो देखो करेले भी लगे हुए हैं हमारी गढ़वाली भाषा में से कंकोड़ा बोलते हैं, तो वो भी लगे हुए हैं। लेकिन आज तो हमारे घर में सब्जी है तो इसलिए हम नहीं लेके जाएंगे। और यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या कह रहे, क्या कह रहे तुम, क्या बात है ना, क्या बात है ना, इच्छू तो मैं क्या बता, हैप्पी कहाँ से जाए तो दुकानी। अच्छा ये मकई लड़ाया तुम क्या, ये मकई लड़ाया केना, अच्छा कह लड़ाया दादागी, तो दादा का दादा दागड़ी है। अच्छा ओ क्या करना, तो गाइस यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं अपने दादा के साथ। ये बना रखा है यहाँ पे कचरा घर, लेकिन यहाँ पे कोई कचरा डालता नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो कचरा कहाँ से आएगा। मैंने ना जंगल में ना आग लगा दी आज, पता नहीं किसने लगाई, सुबह से तो नहीं थी लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी अचानक से नज़र पड़ी तो वहाँ आग लगी पड़ी है, तो पता नहीं किसने लगाई। तो अब दिखा रही हूँ मैं आपको अपनी छानी यहाँ पे, तो ये दिख रहा है ये मेरे ताऊजी का घर है और जो सामने है वो हमारी छानी है। मम्मी कल शाम तक ही आएगी घर, तो इसलिए आज घर में डुग्गू में और पापा जी हैं ओनली। नीचे नहर में ना शायद काम चल रहा है, नहीं किसने आग लगा दी वहाँ देखो जंगल में, पूरी पता नहीं कौन था वो बेचारा, बेचारा नहीं बोल सकते उसे क्योंकि जंगलों का नुकसान हो रहा है, तो पता नहीं किसने लगाई वहाँ जंगल में आग लगा ली वहाँ पे। तो मैं एक बार आपको बैक करके दिखा देती हूँ, है तो सनसेट हो रहा है अभी और मैं जा रही हूँ अपने घर में। कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं, ये वाइट और ब्लू कलर के, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए इसे, पता नहीं हमारी गढ़वाली भाषा में से पदाड़ा बोलते हैं ऐसा कुछ घास होता है, वो भैंस के लिए लेके जाते हैं लोग, लेकिन हमारी तो है नहीं भैंस। मेरी भाभी ने लगा रखे हैं ये फूल जो कि अब सूख गए हैं, तो देखो भाभी ने ये पूरे रास्ते में ना यहाँ फूल के पेड़ लगा रखे हैं ये सारे, लेकिन ये पूरे फूल आजकल ना सूख गए क्योंकि ये सीजन में ही चलते हैं, अभी नहीं है, दोनों साइड से लगा रखे हैं लेकिन अभी ये सूख चुके हैं, तो इसलिए अभी फूल खिले हुए थे शायद उसमें बीच में ना, मम्मी बोलती कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे फूल खिले हुए थे इनमें, लेकिन अभी ये सूख गए हैं, तो इसलिए देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसमें ना फूल खिले हुए थे लेकिन आजकल ये मुरझ गए हैं ये फूल, तो ये फूल ना भाभी जी ने लगा रखे हैं यहाँ पे रास्ते में दोनों साइड से। ये वाला हमारा विमल का पेड़ है, इसमें मम्मी ने ना यहाँ पर ओलंडा भी लगा रखा है इस टाइप से, देखो घास लगा रखा है उसमें, भैंस तो है नहीं हमारी पर किसी के लिए लगा रखा होगा जो हमें मतलब जहाँ से मम्मी दूध लेके आती है उनके लिए है शायद। और यहाँ डुग्गू महाराज टीवी में व्यस्त हो रखा है, देखो फोन में और टीवी में। फाइनली गाइस अभी टाइम हो चुका है 6:30 और गांव में तो जल्दी खाना खाते हैं, तो इसलिए मैं अभी ये निकाल लिया मैंने आटा गोदने के लिए। और यहाँ पे ना ये डुग्गू काट रहे हैं यहाँ पे प्याज, और डुग्गू ने देखो यहाँ ये टोकरी भी यहीं पे ले रखी प्याज की, और जब तक डुगू प्याज काटते हैं तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। और मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ क्योंकि मेरा ये मातरी का गाँठा लगा हुआ है, आ रहे हैं आज
अंडे की भुजिया। तो अंडे तो मैं खाती नहीं हूँ इसलिए, और डुगुना यार रोने लग गया। अभी बताती हूँ मैं आपको। डुगुना रोने लग गया। अब क्यों रो रहा है पता नहीं, क्यों रो रहा है तो डुगु से पूछते हैं एक बार। डुगु आप क्यों रो रहे हैं? डुगु बोल रहे मिर्ची लग रही कि इसलिए रो रहा हूँ कि मैं। गाइस डुगु काट रहे हैं यहाँ पे प्याज रोते रोते हुए। यार देखो डुगु की शक्ल देखो यार, क्या हुआ डुगु? क्या लगा है डुगु? ये देखो गाइस डुगु रोने लग गया यहाँ। और प्याज काट रहा था ना, प्याज काफी ज्यादा मतलब तेज है, मीठी हो रही है उसमें, तो ये डुगु रोने लग गया। देखो ले तू काट वाली आदानी, आदानी काट, तू काट दे ना, तू काट दो, ये काट ले, ये काट दे बस। जब तक डुगू यहाँ पे प्याज काट रहे हैं तब तक मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ, तो उसके बाद बनाऊंगी मैं अंडे की भुजिया। और डुगू फिर से रोने लग गया यहाँ पे देखो, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा मेरा प्याज काफी ज्यादा तेज है इसलिए। मैंने ये आटा गूंद लिया है। तो फाइन गैस यहाँ पे पापा जी आग सेक रहे हैं और ये पानी लगा रखा है यहाँ पे चूल्हे में गरम करने के लिए, क्योंकि पापा जी जा रखे थे काम पे, अपने ही घर में कर रहे थे आज। पापा जी यहाँ पे पानी गरम कर रहे हैं बाहर, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और डुगु तो यहाँ बैठा हुआ है टीवी में बेचारा आराम से। पहले बनाऊंगी मैं पापा जी के लिए चाय, तो चाय बना लेती हूँ एक गिलास, तो थोड़ा सा ही चाय बनाऊंगी क्योंकि मम्मी जी अभी आ रही हैं। तो पापा जी के लिए बनाऊंगी मैं, और पापा जी बैठे हुए काफी आगे, पापा जी के लिए चाय। तो फाइनल गाइस मैं पापा जी को चाय देके आ चुकी हूँ और पापा जी चाय पी रहे हैं बाहर। फाइनल गाइस अभी मैं अंडे फोड़ रही हूँ। छह अंडे तो फाइनली गाइस मेरा तेल गरम हो चुका है, तो मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले प्याज। फाइनली गाइस मेरा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब डालती हूँ मैं इसमें ये, इसमें मैंने ऊपर से हरी मिर्ची काटी हुई है। ये देखो ये डुकु को यहाँ कढ़ाई में मुँह रख रहा है, कब बनेगा ये, कब खाऊंगा कि मैं। जब तक खाना बना नहीं तब तक खाने के लिए डुकु तैयार बैठा हुआ है यहाँ पहले। तो फाइनली गाइस मेरी भुजिया बनके तैयार हो चुकी है, देखो है? तो इसे निकाल लेती हूँ फटाफट से नीचे। और ये देखो यहाँ डुगो ना थाली लेके पहले खड़ा हो गया कि मुझे दो की बनाएंगे गाइस हम पॉपकॉर्न। तक रहा था हमारे बस। तो फाइनली गाइस अभी बना रही हूँ मैं रोटी और है गाइस बहुत ज्यादा मोटी मेरी रोटी बनके तैयार हो चुकी है। तो फाइनली गाइस अभी खा रहे हैं हम रोटी, यहाँ पर पापा जी भी खा रहे हैं खाना।
और मैं तो अंडे की भुजिया खाती नहीं हूँ, इसलिए मैं खा रही हूँ ये आलू का साग। मैंने अपने आलू का साग बना रखा है। लो गाइस, ये फूफू यहाँ पे आलू पीस रही है, ये देखो। ये है हमारा स्लेटा, ये पीस रही है आलू, देखो। ठंडे यार पुप लाओ। मैंने ये आलू पीस दिए हैं पराठे बनाने के लिए, खुद में बनाऊंगी कल सुबह इसके पराठे। तो फाइनली गाइस, हमने खाना वगैरह खा लिया है और अभी टाइम हो चुका है, रात का 10 बज चुका है। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं विनीता राणा मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए।